हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ में नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताने जा रहे हैं कि डे नाइट स्विच के कनेक्शन कैसे किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा डे नाइट स्विच है। इसमें तीन वायर हैं, तीन वायर होते हैं और अलग अलग डे नाइट स्विच में अलग अलग वायर होते हैं। जो ये मेरा डे नाइट स्विच है, इसमें एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है और एक येलो वायर है। तो यहाँ पर रेड वायर जो हमारे डे नाइट स्विच में है वो फेज़ इनपुट का है। इसमें हम जो घर में एसी आती है, 220 वोल्ट का एसी आती है, उसका फेज़ कनेक्ट करेंगे रेड वायर पे। और जो इसमें ब्लैक वायर है मेरे जो डे नाइट स्विच में, वो ब्लैक वायर पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। और जो येलो वायर है, ये आउटपुट वायर है, येलो वायर आउटपुट वायर है। ये हमें आउटपुट देगा हमारे बल्ब को, जो हम इस पर कनेक्ट करेंगे लोड के रूप में, और न्यूट्रल कॉमन रहेगा। तो मैं इसके कनेक्शन बता देता हूँ कैसे कनेक्शन किए जाएंगे। सप्लाई से आने वाले फेज़ को हम एक वायर द्वारा हम डे नाइट स्विच के रेड वायर में कनेक्ट कर देंगे। सप्लाई से आने वाले न्यूट्रल को हम डे नाइट स्विच के ब्लैक वाले वायर पर कनेक्ट कर देंगे। और यहीं से एक वायर लूपिंग लेके हम अपने बल्ब होल्डर के जो ब्लैक वाला वायर है, एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद डे नाइट स्विच के येलो वायर से एक वायर जोड़कर हम बल्ब होल्डर के दूसरे टर्मिनल, यानी कि जो इसमें शो हो रहा है रेड वायर बल्ब होल्डर का, उस पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से डे नाइट स्विच के कनेक्शन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, से जब रात में अंधेरा होगा तो ये डे नाइट स्विच को बल्ब से कुछ दूरी पे लगाना है, ताकि डे नाइट अंधेरा होने पर डे नाइट स्विच पे अंधेरा पड़ेगा तब हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। जब डे नाइट स्विच पे प्रकाश पड़ेगा तो हमारा डे नाइट ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा, जो डे नाइट स्विच है उसको बल्ब होल्डर से थोड़ा सा दूर रखना है, ताकि बल्ब का प्रकाश हमारे डे नाइट स्विच पर ना पड़े, नहीं तो ये इसी बल्ब से ऑन ऑफ होने लगेगा। इस तरह से कनेक्शन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी जॉइंट्स होंगे, जहाँ पर आप दो तारों को जोड़ेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेप बढ़िया से लगा दीजिएगा, ताकि वो कवर हो जाए वो हिस्सा। जहाँ पर भी जॉइंट होगा उसको कायदे से कवर कर दीजिएगा इलेक्ट्रिकल टेप लगा के, ताकि वो कहीं अगर टच हो जाए गलती से तो उस पर शॉक ना लगे।